सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जॉब से आई हूँ और आज मुझे जाना है काफ़ी ज़रूरी काम के लिए। मुझे किसी जगह पे जाना है। कहाँ जाना है आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और देखना है मैं कहाँ जाती हूँ। और शायद मैं वहाँ जाके व्लॉग ना बना पाऊँ पर मैं वहाँ की क्लिप ज़रूर ऐड करूँगी ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और हाँ, आने वाले व्लॉग बहुत मज़ेदार आने वाले हैं तो फटाफट जाके वो क्लिप्स देखें और बस चलते हैं और उसके बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, आप लोग देख के तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई हुई थी मंदिर पापा के साथ और आपी के साथ। मैं क्यों गई थी वो आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और मुझे वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे पूजा हो रही थी और मैं वहाँ पे व्लॉग बनाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था और बनाना भी नहीं चाहिए। इसलिए फिर भी मैंने आप लोग के लिए क्लिप्स लिए कि मैं आप लोग को दिखाऊँ कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है, कितनी प्यारी जगह है। ऑफकोर्स मंदिर हो, चर्च हो या कोई भी जगह हो, ब्लेस्ड जगह होती है। और यहाँ पर हम जूतियाँ उतार के गए थे क्योंकि हम कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं वहाँ पे हम जूतियाँ उतार के जाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि मैं कहाँ गई हूँ और मैं क्यों गई हूँ, ये आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और मुझे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है ये इन चीज़ों के बारे में, तो मैं नाम भी नहीं ले सकती, पर मुझे वहाँ जो जो चीज़ें नज़र आई मैंने आप लोग के साथ शेयर की, आप लोग को दिखाया। और मेरे को देख के ही बहुत खुशी हो रही थी, मतलब आपको इतना अच्छा अच्छा सब कुछ देखने को। और ये इनका करवा चौथ था, उसकी चीज़ें थी। और जितने भी मेरे हिंदू मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरी तरफ से, उनको हैप्पी करवा चौथ। और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे जाके। मैं पहले भी एक बार पापा के साथ गई थी, पापा अक्सर हमें ऐसी चीज़ें दिखाते रहते हैं मंदिर की। और ये दिए थे, हमने दिए भी लिए। तो ये देखें गाइस, हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये रहे दिए बहुत सारे और ये इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं। अब ये सब कुछ तो आप लोग को परसों के व्लॉग में ही पता चलेगा कि आखिर इन चीज़ों का क्या होता है। और ये बहुत प्यारी प्यारी सी बिंदियाँ हैं। ये तो वैसे भी बहना बहुत ज़्यादा लगाती है, आप लोग को पता है उसको बहुत पसंद है। मामा सर ये शॉपर खींचना मुझे, ये निकालना अंदर से। और ये देख के तो आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि आखिर ये सब कुछ क्या है और क्या होने वाला है। पर सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सब कुछ आपको परसों के व्लॉग में ही पता चलेगा। पर इतनी प्रिटी चीज़ें हैं कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। तो ये सब कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम लोग लेने गए थे तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ कि कितना प्यारा मंदिर था और वहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इसीलिए मैंने ये छोटा सा व्लॉग आप लोग के लिए बनाया। ये देखें गाइस, बिंदिया आई बहना के लिए थी और अभी से हमारी गुग्गू रानी ने लगा ली है। ये देखें हमारी बेटी कैसी लग रही है टफू। और ये कब से बिंदिया लगा के घूम रहा है, आप ही ने इसको अभी बिंदिया लगा दी और ये घूम घूम रहा है टफी। उसको बुरा लग गया है। टफी शो मी योर बिंदिया, शो मी योर जलवा, शो मी योर बिंदी। टफी 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 टफी, ये देखें शोनी बेटी। ये देखें गाइस, जैसे कि हम दिए लेकर आए थे तो पापा ने कहा ये दियों को पानी में डिप करना पड़ेगा वरना ये वो ऑयल ना पी जाएंगे जब इसमें हम तेल डालेंगे। तो मैं इनको रात में ही पानी में डिप कर रही हूँ और मुझे दिए बहुत पसंद हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये हम जलाएंगे तब तो इनकी शो ही कुछ और होगी। तो ये पूरे 12 दिए हैं, 12 ही है ना कि कम दे दिए, हाँ 12 ही लग रहे हैं। तो अब इनको हम मैंने डिप कर दिया, अब ये सुबह हम इनको यहाँ पानी से निकालेंगे। और आप देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं छोटों से दिए। ला 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 ला। सो गाइस, आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज का व्लॉग। तो कल का व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और मुझे पूरा वो है कि आप लोग को भी बहुत इंतज़ार होगा। तो इसी के साथ आज का ये मिनी सा व्लॉग एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ढेर सारा प्यार दिखाएं मेरे व्लॉग पे। कल मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।